जो पहले के अंडर ट्रांजिशन थे उसके पीछे बहुत ही एडवेंचरस टूर था, क्योंकि यार बाइक की स्पीड 100-120 से कम ही नहीं हुई। व्लॉग एंड भाई आज हम आए हैं वर्ल्ड ऑफ वंडर्स, यानी कि ये है क्या नाम है, वेस्ट टू वंडर पार्क। वेस्ट टू वंडर पार्क मैं इसको बोलता हूं। सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, आईफिल टावर, लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा वगैरह सब है। फिलहाल के लिए हम पीछे खड़े हुए लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा के, एंड सबसे पहले आप सारे स्नोमोज एंड टाइमलेस एंजॉय करो गाइस। When he rapping with you, you hoes suck, it's like you always bring a vacuum with you. Silent like a mannequin, but you ain't plastic, is you? Cause if you got a bone to pick, I got a matching issue. Talking about me, then it gotta be lies. Cause I never get a tag or a chance to reply. If you don't got the courage to mention me, then you can fuck yourself with your phone until the battery dies. I mean, you mad at me, why? Cause I had to be fly. 2 albums in a year and I can't even try. Tried to fill my shoes, then you had to resize. I'm the king on the throne, bitch, is where I reside. When I pull up on a hater, watch a hater. Alright guys, so हम अभी यहाँ पे सारा आपको बताएंगे, सारा इन्फॉर्मेशन के साथ सारा एक्सप्लोर करेंगे, सेवन मॉन्यूमेंट्स जो है सारे दिखाएंगे। तो यार भाई, तो अपने घर से हम आए 30 किलोमीटर ट्रैवल करके, तो भाई इसी बात पे लाइक कर देना वीडियो को, हाँ भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो। और वी आर वेरी नियर टू 3K सब्सक्राइबर्स, बहुत जल्दी भी होने वाले हैं ऑलमोस्ट। क्या पता भाई, हम जब ये वीडियो अपलोड करें तो हो ही जाए, बिल्कुल 3K हो जाएंगे। यस, ऑलमोस्ट शायद हो ही, अगर नहीं भी होंगे तो मैं बस स्टार डाल के लगा दूंगा कि नहीं हुए, ठीक है, बट फिर भी बता दूंगा। बिल्कुल, तो गाइस अब करते हैं सारा यहाँ पे एक्सप्लोर एंड आपको सबके साथ बताऊंगा। एंड गाइस, यहाँ पे अलाउड नहीं किसी भी मॉन्यूमेंट को टच करने का, 1000 rupees फाइन लगेगा वरना। ओके, तो गाइस अब करते हैं सारा एक्सप्लोर। Better recognize a king when he rapping with you. You hoes suck, it's like you always bring a vacuum with you. Silent like a mannequin, but you ain't plastic, is you? Cause if you got a bone to pick, I got a matching issue. Talking about me, then it gotta be lies. Cause I never get a tag or a chance to reply. So guys, I'm here na, ghum chuke hain. अभी इससे पहले हम कोलोसियम आ चुके हैं, बट पता नहीं वापस यहाँ पे कैसे आ चुके हैं। अब यहाँ से हमें जाना है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एंड वहाँ उस साइड, और हमें वो जगह मिली नहीं रही भाई, ताजमहल भी जाना है। हम बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, 3 जगह हैं हमारे। बिल्कुल, तो अगर जगह इसको करते हैं एक्सप्लोर, एंड तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक मारो। हम आगरा आ चुके हैं अभी इस टाइम, आप पीछे देख सकते हो आगरा से। अभी हम थोड़ी देर पहले पैरिस गए थे। बिल्कुल, तो हम अभी 5-5 मिनट जगह चेंज कर रहे हैं। इटली भी गए, इजिप्ट अभी, हाँ जाई जाएगा। और ये मैं पूछ रहा, वीजा और अभी न्यूयॉर्क भी गए जाएंगे। हाँ, अभी न्यूयॉर्क भी जाएंगे, ठीक है। तो अब भाई अब आ चुके हैं अब आगरा, अब इसके ऑलराइट गाइस, टाइम लैप्स कैसा लगा कमेंट में बताना। एंड अब बात करते हैं भाई इसके बारे में, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं कुछ लोगों को। ताजमहल के बारे में तो पता ही, पर फिर भी हमारा बताना जरूरी है। ये है 37 फीट का, कितना वेस्ट यूज हुआ है, नट्स एंड बोल्ट्स, स्प्रिंग्स, एंगल्स, मतलब सबसे ज्यादा इसमें ही लग रहा है। एंड टन्स देख लेते गाइस, 16 टन्स ऑफ स्क्रैप्स आर यूज्ड। 30 दिन लगे इसे बनने में, मतलब 30 डेज, 4.5 महीने के करीब, 4.5 महीने के करीब लग गए। 37 फीट 47 फीट, एंड सारे लेंथ वेट एंड हाइट इसके मटेरियल यूज आप देख सकते हैं। एंड एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप पढ़ लेना इफ यू वांट द इन्फॉर्मेशन। निकल चुके हैं आगरा से, अभी फ्लाइट पे जा रहे हैं हम, एंड वहां से जाएंगे हम सीधा कहां पे, न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में हम आपको दिखाने वाले हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ओके। एंड भाई वो ऐसे, वो ऐसे होता ना, ठीक है, तो वहां जाके आपको दिखाने वाले हैं। एंड बात करते करते पहले, ओ, उससे पहले नहीं, कुछ और आ गया भाई। नहीं भाई, हमने गांव में भाई गर्ल फ्लाइट पकड़ लिया। ये कहाँ पे आ गए हम, ब्राज़ील आ गए। अबे ब्राज़ील आ गए यार, चलो हम ब्राज़ील आ चुके हैं। ये अपना उसका नाम नहीं पता मेरे को, पहले इसका नाम चेक करते हैं क्या है। रिडीमर रियो। तो अब इसके, हाँ ओके, तो जो भी नाम है इसका अभी आपको पूरा दिखा दूंगा। सबसे पहले इसके टाइम में हम सोलो से इन्जॉय करो। ब्राज़ील रिडीमर रियो, एंड अगर इसके बारे में बात करें तो इसके अप्रॉक्सीमेटली डायमेंशन आप देख सकते हैं। इसको 15 टन ऑफ स्क्रैप यूज़ हुआ है, 130 डेज लगे हैं इसको, अप्रॉक्सीमेटली 4.5 मंथ्स। एंड अगर हम बात करें तो ये रियल में भाई 9 ईयर्स लगे। ओके, तो ये 38 मिलियन हाई विद द स्टैचू अकॉर्डिंग ऑफ जो भी पढ़ लेना पूरा यार, इसको और इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई, स्क्रीनशॉट पढ़ लो। ओके, मेरे तो आप देख सकते हैं, प्राइस कर दे भाई। जब हम पहुँच चुके हैं न्यूयॉर्क, थोड़ी देर जल्दी नहीं पहुंच गए, बहुत जल्दी। अभी सिर्फ 4 घंटे की फ्लाइट थी, और आने जाने में वही थोड़ा बहुत करके 3 घंटे में पहले बैठ जाते हैं। हाँ, 3 घंटे में पहले फ्लाइट में बैठ जाते हैं। बादल अभी लैंड कराया, अभी यहाँ पर सामने लगाया हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो अब देखो भाई इसके सिनेमैटिक्स एंड वो सब फोटोस मोमोस इन्जॉय करो। टॉक अबाउट
सच ऑफ लिबर्टी। हाँ तो अब भाई करते हैं इसके अप्रॉक्सीमेट डायमेंशन के बारे में, सब लिखा हुआ पढ़ लेना। एंड अगर इसके करें हम बात अमाउंट भाई सारे वेस्ट से बना भाई, एंड भाई वो तो पता ही है। एंड अप्रॉक्सीमेटली 4 टन ऑफ स्क्रैप आर यूज, 90 days लगे बनने में। पाइप्स, कार पार्क रेलिंग पार्ट्स, रिक्शा पार्ट्स, टायर रिम, साइकिल चेन सब यूज हुआ है। बाकी और कुछ पढ़ना हो तो भाई स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे जो आप मॉन्यूमेंट देख रहे हो क्लोज है, ये और अप्रॉक्सीमेटली इसका 16 feet है, वेट था इसके 38 feet एंड लेंथ है 49 feet एंड इसको अप्रॉक्सीमेटली 11 tons ऑफ स्क्रैप यूज हुए इसको बनने में। एंड बाकी सारे मैं आपको ये दिख रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एंड बाकी सारा पढ़ लेना। सो गाइस राइट नाउ वी आर एट क्लीनिंग द पिज़्ज़ा। ये भाई टेढ़ा क्यों, मुझे आज तक समझ नहीं आया। अब इसके भाई वहाँ पे सामने है, देखते पढ़ते किस है, अब वहाँ पे जाके देखते भाई ये क्यों है टेढ़ा वगैरह जो भी है टेढ़ा। ये भाई हमारी देसी भाषा है तो आप देखते। तो आई डोंट नो टिल्ट क्यों हुआ है, तो ये लिखा है, इसको पॉज करके पढ़ लो। तो अगर मैं एक बार आप लोगों को फिर रिमाइंड करा दूँ, ये सारे स्क्रैप से बने हैं। आई डोंट नो स्क्रैप क्या होता है भाई। भाई कूड़ा। अच्छा कूड़ा, बिल्कुल मुझे पता नहीं था। तो ये सारा स्क्रैप से बना है एंड आप देख सकते हो भाई कितना मतलब बढ़िया, मतलब देखो बढ़िया तरह बनाया हुआ है भाई। प्लास्टिक बॉटल्स कैसे बनाया हुआ है, प्लास्टिक बॉटल्स होगी, पेट्रोल टैंक हो गए, अच्छा टैंक हो गए, उनसे बना है। अच्छा बिल्कुल, तो मतलब लग नहीं रहा ऐसे है, मतलब काफ़ी मतलब बढ़िया, मतलब इतनी बढ़िया क्वालिटी का लग रहा है। बात करते भाई कैमरा उतर के दिखाते क्या है यहाँ पे। हम यहाँ पे हम ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा में, एंड अगर हम इसके बात करें उसके डायमेंशन के बारे में, 23 feet का है वेट, इसकी 28 feet एंड लेंथ 28 feet एंड मटेरियल का ये सारा यूज़ हुआ आप देख सकते हैं। मैं इतनी बड़ी वीडियो नहीं कर रहा एंड अप्रॉक्सीमेटली 12 tons ऑफ स्क्रैप यूज़ हुआ है इसके अंदर एंड आप देख सकते हैं अमाउंट इसका। एंड भाई प्रोसेस कैसे 10,800 feet एंगल्स इसके अंदर यूज़ हुए हैं भाई, कुछ ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल भाई, भाई एक बार और 80 days में हो गया यार बिल्कुल कम्प्लीट। और ठीक है भाई, एंड यहाँ से अभी आधे घंटे में पहुँचा भाई, आराम से जाएंगे ठीक है बिल्कुल। और सारे हो चुके, एक बार मॉन्यूमेंट के सबके नाम बता देते हैं। सबसे पहला था कोलोसियम, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, द पिरामिड ऑफ गीज़ा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ताजमहल एंड कौन सा रह गया भाई, कोलोसियम, कोलोसियम बोल दिया मैंने, एक और रह गया। अगर 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 हमें नाम नहीं आया तो मैं सारा सबका दूंगा आपको, जितने भी नेम्स होंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक बार वहाँ से पढ़ लेना ठीक है। तो भाई अब हम चलते हैं घर, हम वीडियो इधर ही एंड कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई, वीडियो भाई हाँ भाई 30 किलोमीटर ट्रैवल करके आए, प्लीज़ लाइक। एंड भाई दूसरी बात, यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत धूप है, अच्छा नहीं लग रहा आप कोने में, क्योंकि ये बेस्ट टाइम आने का सबसे ज्यादा इस टाइम भाई रश होता है ठीक है। या तो भाई तुम यहाँ सुबह 11 o'clock जब खुलते तब आ सकते हो, और या तुम मतलब जब सनसेट हो जाता है तब आ सकते हो, क्योंकि रात 11 बजे तक खुला होता है। और मैं दूसरी बात आपको बता दूँ कि मंडे क्लोज होता है, अगर आप जब मेरी वीडियो देख रहे हैं और यहाँ पे आ रहा है आप मंडे को, फिर मेरे को मत बोलना, मैं आपको पहले बता दूँ कि मंडे क्लोज होता है। एंड दूसरी बात, हम यहाँ पे ट्रैवल करके आए तो उसके बाद तो लाइक मार देना, और भाई यहाँ पे आके बहुत सुकून मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है भाई, गर्मी लग रही है क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी इतनी है, ग्रीनरी से अंदर भाई ठंडक बहुत है यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है, और काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पे आने में आपको। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, फॉलो करना हमें इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैंने पहले नोटिफिकेशन आप वहाँ पे दे दी थी ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय।